हेलो गाइज एंड गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। होप यू आर वेल फाइन। तो सुबह का आगाज़ हुआ है दिन के 2 बजे से, क्योंकि हमारी सुबह 2 बजे ही होती है, क्योंकि वेकेशंस हमारी चल ही रही हैं तो हम लोग वेकेशंस को एंजॉय क्यों ना करें। तो मैं और मम्मा निकल गए ऐसे बाज़ार और वहाँ पर हमें दिखी ये पैंट्स, क्योंकि छोटे के बड़े भैया के लेने थे शॉर्ट्स, क्योंकि एज यू नो कि गर्मी का टेम्परेचर तो बहुत ही हाई है। हाय गर्मी। यस, छोटी गर्मी तो बहुत है। तो यहाँ पे मैंने और मम्मा ने जो है पूरी मार्केट एक्सप्लोर की, लेकिन गर्मी इतनी थी कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा आप भाई के शॉर्ट्स तो लेती रहती हो, चलो मेरा भाई ले लेते हैं। तो मम्मा ने फिर कहना शुरू कर दिया कि तुम बाज़ार आती हो, तुम्हारी फरमाइशें शुरू हो जाती हैं। तो मैं जो मम्मा के कदमों में गिरी और उनको मैं लेके गई अबाय वाले स्टॉल पे। लेकिन गाइस मम्मा का ये था कि अबाय को जो है फिर भी जितने भी हों लेकिन 50 रुपीज़ कम करके तो ज़रूर लेना है, क्योंकि आपको तो पता है कि मम्मा जो हैं हर चीज़ के अंदर बार्गेनिंग करवाना तो मस्ट होती है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि किसकी मम्मा जो हैं सबसे ज़्यादा बार्गेनिंग करवाती हैं। वैसे अगर मेरी मम्मा की बात की जाए तो मेरी मम्मा जो हैं लाला से 2000 की चीज़ को भी 600 में करवा के लाती हैं। ऐसे तो नहीं होता है। तो चलें, बातें तो होती नहीं। तो मैं मम्मा को लेके चलते हैं अबाया वाले स्टॉल पर। तो यस, फाइनली एक्सप्लोरिंग अबायास। इतने प्यारे अबायास के प्रिंट देख के तो मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। और मेरी मम्मा को गर्मी लगने शुरू हो गई, कहती हैं जल्दी जल्दी करो, और मुझे यहाँ पे प्रिंट इतने सारे अच्छे अच्छे लग रहे थे। तो गाइस आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कौन सा प्रिंट ज़्यादा अच्छा और कौन सा मैंने लिया। सो यस, अबाया खरीदने के बाद हम लोग फिर पहुँच गए खाला के घर। हमने कहा चलो खाला के घर तो करीब है तो हम लोग वहीं चलते हैं। सो यहाँ पे खाला के बच्चे जो है मुर्गे उठा के ऐसे घूम रहे थे जैसे पता नहीं कोई नॉन लिविंग थिंग चीज़ उठा के घूम रहे हो। भाई आप लोग तो जानते हैं कि ये लोग किसी चीज़ से नहीं डरते हैं, कि हमारी छोटी है कि ज़रा सी आवाज़ से डर जाती है। डॉग की आवाज़ से वैसे हमारी छोटी भी कोई मासूम नहीं है। अच्छा दीदी, मैं मासूम नहीं हूँ। जी छोटी, आप बिल्कुल भी मासूम नहीं है। तो यार गाइस, छोटी तो नाराज़ होती रहती है। यहाँ पे हम इनको देखते हैं कि ये लोग मुर्गे के ऐसे लड़ने शुरू हो गए कि ये तेरा ये मेरा, ये तेरा ये मेरा। अगर हम लोग यहाँ पे होते तो गाइस यू नो मैं तो वहीं से देख देख के इतना डर रही थी। लेकिन भाई इनको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, और ये लोग तो मुर्गों को लेके बेडों पे चढ़ा रहे थे भाई। तो मैंने तो इन सबको बाहर निकाला, मैंने कहा भाई तुम लोग बाहर जाओ, हमें डरा दिया तुम लोगों ने बिल्कुल। तो इन लोगों ने तो सोच लिया था कि इन लोगों को बाहर जाना ही नहीं, इसलिए मैं खुद ही सैन में आ गई। एंड मैं यहाँ पे ग्रीनरी इन्जॉय कर रही थी, तो वहीं पे जो है मेरी छोटी छोटी कज़ने आ गए। इन कहती कि हमारे साथ किचन कर लें। तो मैंने कहा वाई नॉट, क्यों ना मेरी भी बचपन की यादें ताज़ा हो जाएँ। असल में ये आइडिया तो उनको छोटी ने दिया था ना, तो बस फिर मुझे जो समझ में आया मैंने वो किया। ये लोग तो अपने गार्डन से जो है कुछ फ्लावर्स और कुछ लीव्स तोड़ के लिए आई थी, तो मैंने कहा चलो इन्हीं से कुछ बनाते हैं। एंड लुक हाउ प्रीटी इट इज़। तो यू नो आई एम फोटो एडिटर, तो फिर मैंने जो है लेके इन फ्लावर को बहुत ही एस्थेटिक सी पिक्चर्स बनाई, क्योंकि यू नो ये तो मेरा काम है ना। तो यहाँ पे मैं अपनी कज़नों के साथ अपनी पूरी बचपन की यादें इन्जॉय कर रही थी। एंड वो लोग मुझे कह रही थी कि आप कुछ हमें भी तो करने थे। तो मैंने कहा तुम लोगों ने मुझे बुलाया है क्यों है भाई। सबसे ज़्यादा तो छोटी बोली थी कि दीदी आप हट जाएं, हमें भी कुछ करने दें, हमें भी कुछ करने दें। बट इनको तो पता ही नहीं था कि मैं अपनी बचपन की यादें दोबारा से ताज़ा कर रही थी। तो अपनी कज़नों के साथ इन्जॉय करने के बाद फिर हम जो है घर आ रहे थे। एंड यू सी के वापसी का मौसम कितना अच्छा था। सो यस, यही था मेरा आज तक का ब्लॉग। होप यू एंजॉय अ लॉट। अगले ब्लॉग के लिए बाय बाय।